नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के महासचिव संजीवन शर्मा ने कहा कि यदि पार्टी ने उन पर विश्वास कर इंद्री हलके से टिकट दिया तो वो हलके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संजीवन शर्मा इंद्री में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। संजीवन शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक विशाल मजदूर किसान पदयात्रा निकालकर किसानों की समस्याओं से संबंधित मांगों को लेकर इंद्री के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि वो रोजाना हलके के गांवों का दौरा कर रहे हैं और हलके की जनता का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। इंद्री से हमारे संवाददाता करण शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं इंद्री की देवतुल्य जनता को जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ और सभी 36 बरादरी को जी इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंद्री की पूरी देवतुल्य जनता को जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पार्टी की तरफ से हर एक कैंडिडेट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी हाईकमान का जो दायित्व होगा, जिस पे वो दायित्व सौंपेगी तो पार्टी हाईकमान जिसको भी आशीर्वाद देगी, कैंडिडेट तो सारे हैं, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जिस पे पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद होगा पार्टी उसके साथ है और सभी कैंडिडेट उसके साथ रहेंगे। मुद्दे सारे हैं जी, यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी है इंद्री के अंदर, तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे। एम्स वगैरह की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि सारी जगह एम्स खुल गए हैं, मतलब हरियाणा में 4 एम्स हैं तो 5वां एम्स इस उत्तरी हरियाणा में भी होना चाहिए। तो कॉलेज नहीं है जी, लड़कियों का एक ही कॉलेज है यहाँ लड़के लड़कियों का, और कोई कॉलेज नहीं है। बच्चों को दूर से आने जाने के लिए बस की सुविधाएँ भी काफ़ी कम है, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी इतनी नहीं है, तो काफ़ी गंभीर समस्याएँ हैं हल्के की। सरकार जैसे आएगी तो मतलब अगर कैंडिडेट चुन के जाएंगे यहाँ से, हमारे में से कोई ना कोई सब दावेदार हैं और हकदार भी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं वो हकदार तो हैं और दावेदार भी हैं, लेकिन उनमें अपने आप को मैं भी कैंडिडेट मानता हूँ जो अपने आप को हकदार समझता हूँ, तो जिसके भी ये जिम्मेवारी मिलेगी तो ये सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं? हाँ, मेरी पूरी दावेदारी नहीं, हकदार हूँ जी मैं। मैं अपनी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज तो पार्टी ने मेरे को एक जिम्मेवारी दे दी है, किसान कांग्रेस का AICC का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का जी, तो वो भी एक जिम्मेवारी अभी थोड़े दिन पहले मिली है मेरे को। तो आगे अगर पार्टी और हाईकमान मेरे को जिम्मेवारी देगी तो परमात्मा ने चाहे कुछ नया ही होगा इंद्री में। अभी 10-15 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ होने वाला है। बेरोजगारी को लेकर के क्या? बेरोजगारी की समस्या को ये पोर्टल की जो सारी व्यवस्थाएं, एक तो इसको समाप्त करेंगे। बेरोजगारी जितनी मतलब बढ़ चुकी है, इसके निवारण के लिए सभी विभागों में नोटिफिकेशन जारी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाएंगी सरकार की तरफ से, और उन वैकेंसी में जो नौजवान युवा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है जो मेरिट के आधार पर उनके सबको नौकरी दी जाए। तो आप अभी रैली निकाल लीजिए तो क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का? इंद्री की देवतुल्य जनता का मेरे इस मैंने जो रैली एक पदयात्रा निकाली थी हमने, जो गढ़ी बिरबल से SDM साहब को ज्ञापन सौंपा था, मजदूर किसान न्याय यात्रा निकाली थी, काफ़ी रिस्पॉन्स था। 500-700 लेडीज़ और जेंट्स सारे मतलब जितने मजदूर थे और जितने किसान थे उनको सबको सम्मानित भी किया था हमने, और वो सारे आए थे और सब ने इसमें भाग लिया था और अच्छा रिस्पॉन्स रहा था पूरे शहर में। यदि आपको टिकट मिलती है तो आप क्या नई चीज़ को इंद्री हलके के लिए लेके आए? ऐसा है जी, मेरा जो सोच है वो युवाओं के प्रति ज़्यादा है। युवाओं का मतलब यहाँ पे उनकी शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, उनकी योग्यता का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुले जिससे वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके, बाहर नहीं जाना पड़ सके। इंटीरियर में जो गांव है उन पे एक ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था घर से उनके लेके आएं और घर पे उनके जितनी भी बच्चियाँ आएंगी या लड़के होंगे जो भी होंगे उनको संपूर्ण सारी सुविधाएँ मिले, मेरा ये फोकस ज़्यादा रहेगा।
क्या लगता है कि प्रदेश में किसकी लहर है? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा जी। एक तरफा कांग्रेस की लहर है और आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस की तरफ से अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे दागी और बागी है उनको टिकट नहीं दी जाएगी, तो कहता है ऐसे जी। पार्टी का एक क्राइटेरिया है, पैनल में किसके नाम जाएंगे, किसका होगा, कि कौन दागी है, किसने मतलब जुर्म कर रखे, कौन सजा याफ्ता है, उनको सबको दरकिनार पहले भी करती आई है कांग्रेस पार्टी और आगे भी करती रहेगी। और वो सारा जो है शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व इसको देख रहा है। स्वच्छ छवि के लोग आएंगे, स्वच्छ छवि के लोग आएंगे, युवाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी, महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी, किसानों को प्रेफरेंस दी जाएगी, 36 बरादरी के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी अब की बार कांग्रेस में। आपके कार्यक्रम लगातार इंद्रिय हलके में? हाँ, मेरे कार्यक्रम लगातार इंद्रिय हलके में चल रहे हैं। डोर टू डोर मैंने कंपेनिंग स्टार्ट की हुई है, उधर पूड़क गांव से लेके उचाणा, उचाणी, पूड़क, इधर मुस्से पर, समस पर, करतार पर, उमर पर, राज्य पर, ये गढ़ी बिरबल वाली जो बेल्ट है उधर धूमसी, उड़ाणा, अपना बादशो, बुडन पर, ये वाली बेल्ट है, जो इनमें सब में निरंतर हम जा रहे हैं, निरंतर लोगों से मिलने हैं और काफी समय से मतलब हल्के में एक्टिव हैं। आप सबको पता भी है इस बात। 42 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कांग्रेस के लिए, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? मैं तो जी पहले नंबर पे स्टैंड कर रहा हूँ जी, मैं तो अपने आप को पहले नंबर पे रखूंगा क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सिपाही हूँ। मैं खुद को अपने आप को सक्षम भी मानता हूं हर एक तरीके से, और पार्टी भी मेरे को मेरे हिसाब से दायित्व सौंपेगी वो आने वाले 4-5-10 दिन में, जैसे 4 तारीख 8 तारीख को लिस्ट आई पता लग जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।